हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए स्मॉल बॉडी। कोई स्मॉल बॉडी है उसका हम यानी कि मोशन कंसीडर कर रहे हैं। टाइट वन एंड उसका जो है स्ट्रिंग से बांध दिया है और उसके बाद यानी कि वो वर्टिकल मोशन में यानी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यानी कि एक ये वर्टिकल मोशन यहाँ का सर्कुलर पाथ है। इसका जो सेंटर है वो O है, रेडियस इसका R है, ये इसका यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है H, ये इसका लोअर पॉइंट है यानी L, और बीच में यानी कि मिड वाली स्थिति है, बीच में मिडिल वाली स्थिति है। यहाँ पर वेलोसिटी VH है, यहाँ पर वेलोसिटी VL होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल, यहाँ से ये थीटा बना, जब ये थीटा एंगल बना तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो यानी कि मास होगा वो mg यानी कि वेट जो है वो नीचे की ओर काम करेगा वर्टिकली, और यानी स्ट्रिंग पर जो होगा वो हमारा टेंशन काम करेगा। लेकिन इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हमारा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा जो mg स्क्वायर अपॉन r, जो आउटवर्ड यानी बाहर की ओर लगेगा। साथ में यहाँ पर देख रहे हैं यानी थीटा होने के कारण mg के कंपोनेंट हो जाएंगे mg cos थीटा और साथ में mg sin थीटा। mg sin थीटा का डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये टेंशन का डायरेक्शन है, ये h। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा यानी कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। तो यानी कि बैक यहां पे ये कौन सा फोर्स है, t, यानी ये वाले जो फॉरवर्ड फोर्स है वो mg cos थीटा प्लस mg स्क्वायर अपॉन r है। अब यहां पे ये टेंशन का यानी कि ये फार्मूला हमारा बन गया है। अब t विल बी मिनिमम, t कहां पर मिनिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी काफी यानी कम हो जाएगा, वहां पर टेंशन हमारा यानी कि ग्रेटर देन जीरो या लगभग यानी कि जीरो हो जाएगा। तो यानी कि उसके लिए हमारा यहाँ पे एंगल ये वाला ये थीटा घूमते घूमते 90 यानी कितना होना चाहिए 180, जैसे ये 180 होगा तो ये एच पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब टी विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू होती है -1 जो कि 180 पर होगी। तो टी मिनिमम इज इक्वल टू टी एच दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी, कितना हो गया कॉस थीटा 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस एम जी है, यानी कि क्योंकि माइनस यहाँ पे 1 हो गया, 180 माइनस 1 तो माइनस एम जी आ गया। अब यहाँ पर हमने टी मिनिमम टी एच इज इक्वल टू एम बी h स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। द बॉडी विल मूव अलोंग द वर्टिकल सर्किल, बॉडी मूव करेगा अलोंग द सर्किल व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू द 0 यानी यहां पर रहेगा। इफ t इज लेस देन 0, अगर मान लीजिए लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, और जब नेगेटिव में यानी टेंशन जाता है तो यानी कि वो स्ट्रिंग जो है वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और फॉल डाउन हो जाएगा यानी ऊपर वाले पॉइंट s से। और ये है फॉर कंप्लीट सर्किल के लिए, कंप्लीट सर्किल के लिए टी मिनिमम यानी कि ये वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर यानी ये जो वैल्यू है एम बी एच स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, तो बी एच यानी कि क्या होना चाहिए, बी एच ग्रेटर देन या इक्वल टू अंडर रूट जी आर होना चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है वेलोसिटी के हाईएस्ट पॉइंट पर, अंडर रूट जी आर होनी चाहिए मिनिमम पे, यानी कि जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट का जो मिनिमम वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट का जो मिनिमम वेलोसिटी है बीएच, वो हमारा अंडर रूट जीआर होना चाहिए। और यानी कि टेंशन कितना होना चाहिए, टेंशन ग्रेटर देन 0 या इज इक्वल टू दी 0 होना चाहिए। अगर यानी कि टेंशन यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे 0 भी हो जाता है तो भी इनर्शिया के कारण ये थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा और इसको टेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, और टेंशन मिलना शुरू हो जाएगा तो ये अपने उसको लूप को या सर्कल को पूरा कंप्लीट कर लेगा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।